तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी? मैं नहीं आऊंगा। क्या भूमिका प्ले करेंगी विलन का रोल? क्यों सलमान को कहना पड़ा अपने पुराने लुक को अलविदा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लाए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। आज हम उस प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे जिसने लोगों को खूब रुलाया था और जितना लोग रोए उतना ही उन्होंने इस मूवी को प्यार भी दिया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मूवी की बात कर रहे हैं। चलिए हम ही बता देते हैं कि हम बात कर रहे हैं सतीश कौशिक के डायरेक्शन में बनी फिल्म तेरे नाम की, जिसका फीवर लोगों पर आज तक चढ़ा हुआ है और शायद यही रीजन है कि अब मेकर्स लेकर आ रहे हैं इसका सीक्वल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने, बहुत ही जल्द आपको तेरे नाम 2 बड़े पर्दे पर देखने को मिलने वाली है। वहीं फैंस भी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। तो फिल्म में जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि सलमान के ऑपोजिट हमने भूमिका को निर्जरा के अवतार में देखा था। फिलहाल आज के टाइम में भूमिका फिल्म इंडस्ट्री से तो गायब ही हो चुकी हैं, उन्हें फिर भी लोग इस सीक्वल में देखने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, यानी कि दिख सकती हैं भूमिका एक इम्पॉर्टेंट रोल में इस फिल्म में और ये कमबैक उनके लिए काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो शायद इस फिल्म में विलन का रोल कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें खलनायक के रूप में देखा जा सकता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब बस वेट करते हैं मेकर्स की तरफ से इस बात की कंफर्मेशन का। आपको बता दें कि फिल्म तेरे नाम में भूमिका को निर्जरा के अवतार में देखा गया था, जो कि राधे की प्रेमिका होती है और फिल्म के आखिर में सुसाइड कर लेती है। तो दिलचस्प बात यह होगी कि एक बार हमने उन्हें देखा था उनकी प्रेमिका के अवतार में और अब हम देखेंगे उसके ऑपोजिट यानी कि विलन के अवतार में। तो अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कोई कनेक्शन होता है या नहीं। तेरे नाम जिन्होंने अभी तक नहीं भी देखी है उन्हें फिल्म के बारे में भले ही ना पता हो, लेकिन सलमान का फेमस हेयरस्टाइल तो जरूर ही पता होगा। दर्शक राधे को अपने पुराने रूप में ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तभी फिल्म के मेकर्स ने बता दिया कि इस बार राधे का रूप वो पुराना वाला नहीं होगा बल्कि हटके और चेंज्ड होगा, यानी कि फिल्म में सलमान वो पुराना हेयर स्टाइल नहीं रखेंगे, जिससे फैंस सुनकर काफी निराश भी हो गए। तो क्या आपको लगता है कि भूमिका अपना जोर दिखा पाएंगी विलन के अवतार में? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको सलमान का पुराना लुक ही पसंद है या फिर आप उसे नए लुक में देखना चाहेंगे, ये भी हमें अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बॉलीवुड से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है नेहा मिश्रा ने।